नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और इस नई बिजनेस वीडियो में। गाइस, आज हम आपके लिए ऐसा बिजनेस लेके आए हैं जिसके अंदर आप चाहे घर के अंदर बैठे हैं, जिसके अंदर चाहे आप गांव से हैं, शहर से, फर्क नहीं पड़ता। आपकी उम्र क्या है इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपकी उम्र 20 साल है, 40 साल है या फिर 50 साल है, ये कोई मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, घर बैठे और आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। हम आज आपके लिए ऐसा ही बिजनेस ढूंढ के लाए हैं जिसे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में करने वाले हैं और सारी जो ट्रेनिंग है कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, पूरा सपोर्ट रहेगा कंपनी का, सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करवाएगी आपको। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और सक्सेस आपके कदमों में होगी। तो आज इस बिजनेस की जानकारी लेने के लिए हम आ गए हैं MHV मीडिया OPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर, जहां पर हम मैम से मिलेंगे और मैम इस बिजनेस के बारे में सारी जानकारी हमें देंगी, कैसे ये करना है, कंपनी कैसे सपोर्ट करती है, सारी चीजों के बारे में। तो नमस्ते मैम। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना गुड नेम बताएं और साथ ही साथ आपकी कंपनी के बारे में बताएं। मेरा नाम शशि है, मैं MHV मीडिया OPC प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और हमारी जो कंपनी है वो उन लोगों के लिए बिजनेस लेकर आई है जो लोग घर बैठे बिजनेस करना चाहते हैं और कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब वैसे तो हम लोग जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, बट अभी जो हाल फिलहाल जो सिचुएशन है और जो अभी जो पैंडमिक की सिचुएशन चल रही है, इसमें ये जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं। तो जैसे कि मैम आपने बताया कि इस बिजनेस को बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम कर सकते हैं और काफी सारे लोग आपके साथ जुड़कर ये बिजनेस कर रहे हैं, अगर इस बिजनेस को कोई करता है तो वो कितना पैसा इस बिजनेस को करके कमा सकता है? जी बिल्कुल सर, देखिए अगर हम बात करें इनकम की, तो सर ये वैसे तो ये अपने काम पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं, कितना अपना काम को लेकर आप डेडिकेशन है आप में और कितना आप अपना काम को जो है टाइम देते हैं, कितना समय आप जो है बिता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इन पर डिपेंड करती है। बट फिर भी हमारे पास जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों ने हमें जो हमने जब उन लोगों से बात की और उनसे पूछा कि उन लोगों का चैनल कैसे जो है चल रहा है और किस तरीके से उनका काम चल रहा है, तो उन लोगों ने अपनी इनकम हमें बताई थी। तो कुछ लोगों का कहना था कि हम जो है 20 से 25,000 मंथली इनकम कर रहे हैं, कोई लोग 35 से 40,000 भी इनकम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके काम पर डिपेंड है, वो किस तरीके से काम करें। तो इसी तरीके से आप भी अपने काम को अगर समय देंगे तो आपके जो इनकम की है लिमिट है वो कुछ भी लिमिट नहीं है, मतलब आप अनलिमिटेड इनकम, यानी कि इस बिजनेस को बस स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी और उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपनी मेहनत के अनुसार कितना भी कमा सकते हो। मैम आपसे पूछना चाहता हूँ, काफी सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो कि गांव से हैं, शहर से हैं और काफी जो हमारे व्यूवर्स हैं थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो मेरा जो मेन सवाल है आपसे वो ये है कि कौन कौन और कहाँ से बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल सर, देखिए अगर आप गांव से हैं, शहर से हैं, तो इसके लिए कोई ऐसी कोई प्रॉपर आपको जगह नहीं चाहिए कि जहाँ पर आप बैठकर इसको इस बिजनेस को कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे गांव से हो या शहर से हो, आप कहीं से भी हो, आप वहां से इस काम को कर सकते हैं। अब बात लोग ये सोचते हैं कि हम लोग गांव में अगर जाएंगे तो गांव में तो सारी सुविधाएं होती नहीं है, लेकिन ये मैं मानती हूँ कि सुविधा नहीं होती है, लेकिन आप जब गांव या शहर कहीं भी जाते हैं, आज के टाइम में आप देखते हैं कि मोबाइल जो है वो हर किसी के पास होता है, तो अगर आपके पास ये मोबाइल है तो आप इजीली अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, सिर्फ अगर किसी के पास में फोन है तो ये फोन से बिजनेस स्टार्ट करा जा सकता है। तो देखा गया कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रही है कि यहाँ पर आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन से आप 20 से 25,000 रुपए शुरुआती फेज में आप कमा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी इनकम होने वाली है। मैम आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो बिजनेस बता रहे हैं क्या बिजनेस है, इसके अंदर क्या काम करना होता है? जी बिल्कुल सर, देखिए अगर हम बात करें बिजनेस की, तो आज के समय में आप लोग जब अपना फ़ोन ओपन करते हैं तो आप कुछ भी अगर चीज़ें देखना चाहते हैं, आपको कुछ भी कोई न्यूज़ देखनी होती है, कुछ भी देखनी होती है, तो आज के टाइम में मोबाइल जो है वो हर किसी के पास है, तो हर कोई अपने फ़ोन में ही सारी चीज़ें देख लेता है। सबसे पहले हम अगर कोई न्यूज़ हमें देखनी होती है, कुछ भी देखना होता है, तो हम यूट्यूब ओपन करते हैं। तो हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि किस तरीके से आप भी अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, किस तरीके से आप न्यूज़ चैनल जो है अपना रेडी कर सकते हैं और कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको सिखाते हैं, यानी कि हम आपको एक न्यूज़ चैनल आप कैसे बनाकर उस पर काम कर सकते हैं और कैसे आप अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। जी मैम, जैसे कि मैम आपने बताया कि बिजनेस होने वाला यूट्यूब का बिजनेस होने वाला है, तो इसमें जो अर्निंग होने वाली है वो कैसे होने वाली है? बिल्कुल सर, देखिए अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को जब आप ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर कुछ एड्स आ रहे होते हैं, तो
उस एड से जो होती है वो उन YouTube चैनल वालों की अर्निंग होती है, यानी कि जिसका भी चैनल है उसकी अर्निंग वहाँ से होती है। तो ये अर्निंग कैसे होती है, किस तरीके से आपका जो वो चैनल है वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे आपकी उस चैनल से इनकम होगी, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग चैनल तो बना लेते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना है, किस तरीके से टैग लगाने हैं जिससे उनका चैनल जो है बूम अप करे, और किस तरीके से उनका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता नहीं होती है, जिसकी वजह से वो काम तो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनका चैनल जो है वो अर्निंग नहीं करवा पाता उनकी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि YouTube पर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें एड्स दिखते हैं, तो उनका हमें पैसा मिलता है, उनसे हमें अर्निंग होती है। क्या YouTube से हम और भी कोई तरीका है जिससे हमें अर्निंग होने वाली है? जी हाँ सर, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि और भी कोई तरीके हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप स्पॉन्सरशिप से, एफिलिएट मार्केटिंग से, तो ये सारी चीज़ों से भी आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। जी मैम, ये तो आपने बताया कि इस प्रकार हम अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि YouTube पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इस टाइम पर। काफ़ी सारे YouTube चैनल हर कैटेगरी में ऑलरेडी ओपन हुए हैं जो कि अच्छे खासे चल रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस कॉम्पिटिशन के दौर में क्या हम अपना बिजनेस जो है रन कर पाएंगे, क्या हम अर्निंग कर पाएंगे? अगर हम बात करें कि और चैनल्स की, कि ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो सर देखिए चैनल्स तो सबके हैं, ये बात तो हकीकत है, लेकिन हमारा काम पे डिपेंड करता है और हमारी सर्विस पे डिपेंड करता है। यानी कि आज के टाइम में लोगों को क्या चाहिए कि सबसे अच्छी न्यूज़, मतलब जो प्रॉपर न्यूज़ होती है वो उनको सुनने को मिले, मतलब कुछ फेक ना मिले। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से आप काम कर रहे हैं, अच्छी न्यूज़ जो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, सही न्यूज़ को आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो आपका चैनल क्यों नहीं ग्रो करेगा? सबसे पहले ग्रो करेगा, क्योंकि आज के टाइम में अगर कहीं आप किसी शॉप की हम बात कर ले, अब एक एरिया में बहुत सारी शॉप होती हैं और एक ही कैटेगरी की बहुत सारी शॉप होती है, तो लेकिन लोग जो है एक ही शॉप पर सबसे ज़्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सर्विस उनको बहुत अच्छी मिल रही होती है। तो इसी तरीके से आपका चैनल पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की न्यूज़ उन तक पहुँचा रहे हैं। तो अगर आपकी न्यूज़ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी तो लोग आपका चैनल सबसे ज़्यादा जो है सर्च करेंगे, और सर्च करेंगे तो सीधी सी बात है आपके सब्सक्राइबर और एंड आपका वॉचिंग टाइम जो है वो बढ़ता रहेगा, जिससे आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में कई वीडियो में आपको बताया है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेल होगा, लोग उसकी डिमांड करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी हैं, आप जो बना रहे हैं यूट्यूब पर उसकी क्वालिटी अच्छी रखें एक तो, और दूसरा जो भी चीज़ आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो एकदम सही और सटीक हो, तो व्यूवर्स ऑटोमेटिक आपके चैनल पर आएंगे और आपकी वीडियो देखेंगे, जहाँ से आपको अर्निंग होने लगेगी। मैम ये तो आपने बता दी कि इस बिज़नेस को करके कमाई कितनी होने वाली है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपने जानकारी दी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो कितना होने वाला है? देखो सर, देखिए अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मात्र हज़ार रुपये लगाकर जो है ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस 1000 रुपये में ही हम आपको सारी सर्विसेज जो है, अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम आपको वहाँ से वो प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट करके देते हैं। जी मैम, जैसा ही आपने बताया कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस प्रकार सपोर्ट करेंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे और किस प्रकार आप सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे? बिल्कुल सर, देखिए अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सीधी सी बात है, आपको स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप उस स्क्रीन पर नंबर पे कॉल करेंगे तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी, और हमारी जो सर्विसेज रहेगी आप उसी नंबर पे कॉल करके जो है सर्विस की जानकारी भी ले सकते हैं, किस तरीके से आपको सर्विस मिलेगी। और हम आपको एक मैनेजर भी प्रोवाइड करते हैं कि ताकि अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है आपके चैनल में या कुछ भी कोई दिक्कत आती है, तो आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उन मैनेजर को कॉल कीजिए, देन वो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करके आपको देंगे। देखा गाइज, आपने जैसे कि मैम ने बताया, आपको यहाँ पर कंपनी एक मैनेजर प्रोवाइड करवाएगी, बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएगी, कैसे चैनल बनाना है, कैसे आपको एक वीडियो बना के रेडी करनी है, कैसे एडिटिंग करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कंपनी सिखाएगी। मात्र 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपका होने वाला है। 1000 रुपये आज के टाइम में कुछ नहीं होता, तो आप 1000 रुपये में यहाँ पर आपको ये कंपनी बिजनेस प्रोवाइड करवा रही है, तो ये मौका है, इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िए, आज ही कंपनी को कॉल लगाइए और ये बिज़नेस स्टार्ट करिए। तो मैम, आपके साथ कोई जुड़ता है और ये बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उस कंडीशन में जो चैनल पर ट्रैफिक आएगा, मतलब लोग जो आएंगे वो कैसे आएंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
सर देखिए, आपके चैनल पर जब लोग जो है आपके चैनल को क्यों देखेंगे, किस रीज़न से देखेंगे, तो सबसे मेन होता है कि आपका टैग, आप जो उस पर टैग यूज़ कर रहे हैं, आप उस पर डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिख रहे हैं, और आप जो है उसमें मतलब किस तरीके की न्यूज़ जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस पर आपके चैनल पर जो है वो ट्रैफिक लेकर आएंगी, यानी कि लोग आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करेंगे। जी बिल्कुल मैम, देखा गया, मैम ने आपको बताया कि आपके चैनल पर लोग कैसे आएंगे, कैसे आपकी वीडियो को वॉच करेंगे, कैसे आपके कंटेंट को देखेंगे। यहाँ पर आपको टैग पर ध्यान देना होगा, टाइटल पर ध्यान देना होगा, थंबनेल पर ध्यान देना होगा, जो कि सारी चीज़ें मैम सारी चीज़ें एक कंपनी आपको सिखाएगी और आपको बताएगी कैसे आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो देखा गाइस, यहाँ आपको सिर्फ 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें आपको कंपनी एक पर्सनल मैनेजर प्रोवाइड करवाती है। अगर मैं बात करूँ, अगर हम किसी व्यक्ति को हायर करते हैं तो वहाँ पर कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये हमें वहाँ पर सैलरी देनी होती है। यहाँ पर कंपनी मात्र 1000 रुपये में आपको एक पर्सनल मैनेजर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही है, जो कि आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल लगाकर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी सवाल हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं और सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं इस बिज़नेस के बारे में। और इसी के साथ मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैम ने बहुत कीमती समय हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे लिए दिया है। गाइज, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे आने वाले हर नए बिज़नेस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।